आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम से पंजाब के सीएम मान करेंगे मुलाकात। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों नेताओं की होगी मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात जंगला में होगी भेंट। जंगला में दोनों के बीच होगी दीवार। इससे पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल तीन बार अरविंद केजरीवाल से जेल में कर चुकी है मुलाकात। केजरीवाल ने 6 लोगों का नाम जेल प्रशासन को दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दायर की गई याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी को सही ठहराने के आदेश को केजरीवाल ने किया था चैलेंज। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट के सामने रखे थे सबूत। आज केरल और तमिलनाडु में चुनावी जमीन को मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। प्रधानमंत्री जनता के सामने रखेंगे मोदी की गारंटी। चुनावी तैयारियों का बीजेपी नेताओं से बातचीत कर जायजा लेंगे। सुबह 11 बजे त्रिशूर में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा को संबोधित। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलेंगे पीएम। तिरुवनंतपुरम में और तिरुनेलवेली में रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री की रैलियों में बड़ी संख्या में उमड़ सकते हैं समर्थक। पीएम दक्षिण की जनता को बताएंगे बीजेपी की उपलब्धियां, साथ ही भविष्य की नीतियों से करवाएंगे अवगत। आज मणिपुर त्रिपुरा राजस्थान के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे शाह। सुबह 11 बजे अगरतला में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, जुटाएंगे जनसमर्थन। इम्फाल में दोपहर 1:30 बजे दूसरी जनसभा को शाह करेंगे संबोधित। जनता के बीच रखेंगे पार्टी की बात। लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर में शाह का दौरा माना जा रहा बेहद खास। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे शाह। शाम 6 बजे जयपुर में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। संगानेरी गेट से रोड शो की शुरुआत। आज उत्तराखंड और पुडुचेरी के दौरे पर होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:30 बजे मसूरी में जनसभा करेंगे नड्डा। शाम 6 बजे पुडुचेरी में जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। बीजेपी की चुनावी जमीन मजबूत करेंगे। आज बिहार के दौरे पर होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी 11:15 बजे औरंगाबाद में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:30 बजे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। जनता के सामने रखेंगे बीजेपी की घोषणाएं, जुटाएंगे जनसमर्थन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी सरकार के कामों की लोगों को जानकारी दी। बिहार के बांका में चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, आपको लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? आप मछली खाएं, जो भी खाना हो, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? राजनाथ सिंह ने मीसा भारती के बयान पर साधा निशाना। कहा, किसने मां का दूध पिया है, मोदी जी को जेल में डालेगा। हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी। कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेगा? लखीमपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए बने हेलीपैड पर पहुंचा सांड। पुलिस कर्मियों ने डंडा मारकर भगाया। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी पर किसी को नहीं है विश्वास। कन्हैया कुमार को दिल्ली से लोकसभा टिकट दिए जाने पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा, किसे कहां से उम्मीदवार बनाए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला। से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आरजेडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, इस बार मोदी सरकार का सफाया तय। दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट देने को लेकर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस रिजेक्टेड लोगों को लेकर बजा रही है झुंझुना। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान कृष्ण के वेश में नजर आए रॉबर्ट वाड्रा, लगाए जयकारे। अमृतसर में नामांकन से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। मंदिर में पूजा अर्चना की। राजकोट में नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने पहुंचे भुजेश्वर मंदिर, विधि विधान से पूजा अर्चना की। फरीदाबाद में इनसो के कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सभा को संबोधित किया।